स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दूसरा, किसी भी नेशन की फितरत यही होती है कि वो एक ऐसा रीजनल ऑर्डर प्रमोट करे जो उसके नेशनल इंटरेस्ट और एस्पिरेशन के फेवर में हो, और खासकर तब जब उसे चैलेंज करने वाला एक रीजनल राइवल सामने हो। अपने पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बेड़ियों को तोड़कर आज जापान इसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। दरअसल पोस्ट वॉर न्यूक्लियर तबाही के बाद बनाया गया जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन उसे वॉर डिक्लेयर करने या लैंड, सी और एयरफोर्स मेंटेन करने का सुवर्ण राइट नहीं देता। बावजूद उसके जापान एक सेल्फ डिफेंस फोर्स मेंटेन करता है, और आज चाइना के बढ़ते एग्रेशन के चलते इसी डिफेंस मैकेनिज्म को एक डिटरेंट की तरह मजबूत किया जा रहा है। जापान के इस मिलिट्री रीबर्थ के पीछे दो मेजर फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। एक, रशिया द्वारा यूक्रेन पे हमला, जो चाइना जैसे दूसरे एक्सपेंशनिस्ट पावर्स के लिए एक इनकरेजमेंट है। दूसरा, ताइवान पे चाइना के बढ़ते क्लेम्स। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ताइवान एक सेल्फ गवर्निंग आइलैंड नेशन है, जिसे चाइना अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान इस क्लेम को रिजेक्ट करते हुए अपने इंडिपेंडेंस को असर्ट करता आया है। जापान ताइवान के सिर्फ 67 माइल्स की दूरी पे है, और इसलिए ताइवान स्ट्रेट में कोई भी सिक्योरिटी क्राइसिस को जापान अपने लिए एक थ्रेट के हिसाब से देखता है, स्पेशली जब उसके और चाइना के बीच मिलिट्री डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है। यही नहीं, जापान चाइना के साथ डायरेक्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट में भी उलझा हुआ है। ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू आइलैंड चेन को लेकर इन दोनों पावर्स में 1970 से विवाद है, और 2012 से यह एस्केलेट होता चला आया है। दोनों में ये विवाद कई और फैक्टर्स के चलते भी इंटेंसिफाई हो रहा है, जैसे नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर थ्रेट और साउथ चाइना सी में चाइना के मैरिटाइम डिस्प्यूट। ऐसे में जापान के लिए एक रूल बेस्ड और पीसफुल रीजनल ऑर्डर एस्टैब्लिश करना प्रायोरिटी बन चुका है, जिसके लिए वो इंडिया और दूसरे एशियन और अलाइड पावर्स के साथ अपने डिफेंस और ट्रेड टाइज मजबूत कर रहा है। आज का हमारा वीडियो डिस्कशन एशिया में जापान के इस रिसर्जेंस को लेकर है, जिसे ऑलरेडी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की तरह देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि किस तरह ये छोटा सा आइलैंड नेशन चाइनीज ड्रैगन को मात दे सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी आईक्यू आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी आईक्यू यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14th of November इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए, और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जापान और चाइना के रिलेशंस कई सालों से दो सिबलिंग्स की तरह रहे हैं, जिनमें क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शन, इकोनॉमिक टाइज और डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट साथ साथ चलते आए हैं। जापान में चाइनीज कल्चरल इन्फ्लुएंस उसके रिटन स्क्रिप्ट, राइस कल्टीवेशन, कन्फ्यूशियन वैल्यूज और ब्रोंज और आयरन टेक्निक्स में साफ झलकता है। लेकिन चाइनीज सिविलाइजेशन ने जिस तरह जापान को इन्फ्लुएंस किया, उसी तरह उसे अपने प्रॉस्पेरिटी और पावर तले दबाए रखा। 19th सेंचुरी के पहले चाइना डोमिनेंट पावर था, लेकिन 1868 में जब जापान में एम्परर मीजी का शासन शुरू हुआ, तब एक मॉडर्न और मिलिट्री असर्टिव जापान उभरने लगा। वेस्टर्न पावर्स के इन्फ्लुएंस ने चाइना को कमजोर कर दिया था, और एशिया में इसी गैप को जापान फुलफिल करने लगा। साथ ही वो वेस्ट के कॉलोनाइजिंग और एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड को कॉपी करना चाहता था। इंपीरियल जापान ने 1894 से 1895 के दौरान चाइनीज क्विंग डायनेस्टी के नेवी को हराकर एशियन ऑर्डर पलट दिया। वो अब अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के थ्रू एशिया को जापानीज एम्पायर के लिए सूटेबल बनाने लगा। 1920s और 30s का दौर आते आते जापान इतना पावरफुल बन चुका था कि वेस्ट में फासीवादी ताकतों से इंस्पायर्ड होकर उसने चाइना के मैंचूरिया को कैप्चर कर लिया, और 1937 में चाइना को एनेक्स करने के लिए जंग छेड़ दी, जो 1945 तक चली। वैसे तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जापान और चाइना के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रीस्टैब्लिश किया गया, लेकिन दोनों के रिश्तों में तनाव बना रहा, कभी कम तो फिर कभी ज्यादा।
दोस्तों, जापान के फॉर्मर मिनिस्टर लेट शिंजो आबे के लीडरशिप में जापान अपने आप को इंडो पैसिफिक में फिर से असर्ट करने लगा। करंट प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा के अंडर भी यही ट्रेंड जारी है। 2017 में चाइना को कंटेन करने के लिए डिजाइन किया गया ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अमेरिकन विथड्रॉल के बाद जापान की स्विफ्ट और स्मार्ट डिप्लोमेसी ने इस 11 मेंबर फ्री ट्रेड पैक्ट को डूबने से बचा लिया। डिप्लोमेसी के साथ डिफेंस में भी जापान खुद को स्ट्रेंथन कर रहा है। उसने अपने मैरीटाइम जोन में सेनकाकू आइलैंड को चाइनीज कंट्रोल से बचाए रखा है और ये इंश्योर किया है कि ईस्ट चाइना सी में उसका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हैम्पर्ड ना हो। आबे की ही तरह किशिदा का भी मानना है कि ताइवान पे चाइनीज टेक ओवर ईस्ट एशिया की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बर्बाद कर देगा। इनफैक्ट 2019 में अपने डिफेंस वाइट पेपर में जापान ने चाइना को अपना चीफ एडवर्सरी कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना द्वारा इंटरनेशनल नॉर्म्स का उल्लंघन, ताइवान पे उसका बढ़ता प्रेशर और रैपिड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जापान के लिए भी एक रीजनल और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन चुका है। ये एंग्जाइटी और भी इंटेंसिफाई हो गई है जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, क्योंकि ये इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए एक मेजर चैलेंज है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस इन्वेजन ने जापानीज पब्लिक में रीआर्ममेंट को लेकर पब्लिक ऑपरेशन को वीकन कर दिया है। 2027 तक जापान एक मैसिव मिलिट्री बिल्डअप प्लान कर रहा है जिससे वो ईस्ट एशिया में बीजिंग को चुनौती दे सके। जापानीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद शायद ये उसका बिगेस्ट रीआर्ममेंट प्लान होगा। लेकिन 2027 ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि 2027 चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी का 100 सालगिरह है और कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स की माने तो चाइना इस मौके पर ताइवान को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर सकता है। अगर ताइवान मेनलैंड चाइना के हाथों चला गया तो ये जापान के की शिपिंग लेन्स को डिस्टर्ब कर देगा, जिससे वो ऑयल एंड दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सामान की सप्लाई रिसीव करता है। यही नहीं, ऐसा होने से चाइनीज नेवी को वेस्टर्न पैसिफिक का ईजी एक्सेस भी मिल जाएगा। वैसे तो चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस और पावर डिस्पैरिटी के चलते जापान शायद ताइवान को डायरेक्टली डिफेंड ना करे, लेकिन ताइवान के इतने नज़दीक होने के कारण वो इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं कर पाएगा। इसलिए अपनी मिलिट्री बिल्डअप को जस्टिफाई करते हुए जापानीज गवर्नमेंट ऑफिशियल इस बात पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि अगर चाइना ने ताइवान पे अटैक किया तो वो नियर बाई जापानीज आइलैंड्स को भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे ताकि वहां से काउंटर अटैक रोकने के लिए एयर डिफेंसेस एस्टैब्लिश कर सके। इनफैक्ट इस साल यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान विजिट के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए चाइना ने जापानीज आइलैंड से 100 माइल से भी कम दूरी पे मिसाइल्स फायर किए। ऐसे में किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जापानीज मिलिट्री बेसिस, एयरपोर्ट, सी पोर्ट और दूसरे लॉजिस्टिकल हब्स चाइनीज मिसाइल स्ट्राइक के इजी टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि ये सारे यूएस फोर्सेस के स्टेजिंग ग्राउंड की तरह काम करेंगे। लेकिन टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यासुहिरो मात्सुदा का कहना है कि अगर जापान अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन करता है तो चाइना का कैलकुलेशन अलग होगा, क्योंकि एक मिलिट्री पावरफुल जापान के रहते हुए चाइना के लिए ताइवान ऑपरेशन के रिस्क बढ़ जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो जापान का मिलिट्री बिल्डअप यूएस इन्वॉल्वमेंट के बिना ही एक मेजर डिटेरेंट की तरह काम करेगा और इस मिलिट्री बिल्डअप के लिए गवर्नमेंट के साथ आम जनता का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जापानीज पब्लिक ब्रॉडकास्टर एनएचके द्वारा हाल ही में कंडक्ट किए गए एक ओपिनियन पोल के रिजल्ट ये बताते हैं कि 1214 सर्वे पार्टिसिपेंट्स में 55% इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग को सपोर्ट करते हैं और जो एक स्ट्रॉन्गर मिलिट्री चाहते हैं उसमें से 61% का कहना है कि जापान को पब्लिक स्पेंडिंग कट करके डिफेंस पे खर्च करना चाहिए। इनफैक्ट इस साल जुलाई में प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा ने इसी इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग एजेंडा के बेसिस पे नेशनल अपर हाउस इलेक्शंस जीत लिए। उनकी रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने यह वादा किया है कि वो मिलिट्री बजट को 5 साल में 10 ट्रिलियन येन यानी $68 बिलियन तक कर देंगे। इससे जापान लॉन्गर रेंज मिसाइल जैसे इम्प्रूव्ड मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज MHI 7011.T, टाइप 12S, कॉन्ग्सबर्ग जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल्स एंड लॉकहीड मार्टिन जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल्स खरीद पाएगा, जिससे डिस्टेंट वॉरशिप्स और चाइना और नॉर्थ कोरिया के लैंड टारगेट्स को स्ट्राइक किया जा सके। दूसरे मेजर प्रोजेक्ट्स में 2030s तक एक नए जेट फाइटर का डिप्लॉयमेंट शामिल है, जिसे मोस्ट प्रोबेबली ब्रिटेन के टेम्पेस्ट स्टेल्थ प्लेन के साथ MHI और BAE सिस्टम्स के प्रोग्राम में मर्ज किया जाएगा। अभी के लिए जापान उन चीजों पे फोकस कर रहा है जिसे वो अगले 5 साल में डिप्लॉय कर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दिसंबर में किशिदा मिलिट्री स्पेंडिंग के डिटेल्स और एक रिवैम्प सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अनवील करेंगे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये स्ट्रेटजी USA के साथ जापान को भी एक प्रोमिनेंट रीजनल सिक्योरिटी रोल प्रोवाइड करेगा, जिसके पीछे हजारों जापानीज ट्रूप्स, एयरक्राफ्ट और कई दर्जन वॉरशिप्स होंगे। डोमेस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ जापान अपने स्ट्रेटजिक बायलेटरल रिलेशंस पे भी फोकस कर रहा है और इसका एक प्रोमिनेंट हिस्सा भारत भी है।
दोस्तों, जापान और इंडिया एक दूसरे के साथ करीब दो दशक से सिक्योरिटी और डिफेंस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, जिसके पीछे म्यूचुअल इंटरेस्ट है एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक आइडिया का प्रमोशन। इस साल सितंबर में डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल 2+2 टॉक्स के दौरान इंडिया और जापान ने ज्वाइंट मिलिट्री डील्स प्लान किया, जिसमें एयरफोर्स भी शामिल होंगे। ऑलरेडी ये दोनों देश रेगुलर ज्वाइंट मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, जैसे 2016 में शुरू हुआ धर्मा गार्जियन। इसके अलावा इंडियन नेवी द्वारा होस्टेड लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलान में जापान का पार्टिसिपेशन किसी माइलस्टोन से कम नहीं है। चाइना की इंक्रीजिंग मिलिट्री कैपेबिलिटी इंडिया और जापान दोनों के लिए एक मेजर थ्रेट माना जाता है, खासकर ऐसे समय में जब चाइना एक्सपेंशनिज्म को एक्टिवली परस्यू कर रहा है। ये 2+2 डायलॉग 2019 में जापान द्वारा इनिशिएट किया गया था, ताकि दोनों देशों के बीच स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन किया जा सके। इसके अलावा 2020 में इंडिया और जापान ने एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट यानी ACSA भी साइन किया, जिसके तहत जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्सेज और इंडियन आर्मी आपस में मिलिट्री सप्लाईज और सर्विसेज एक्सचेंज कर पाएंगे। यही नहीं, जापान मिसाइल्स और जेट्स जैसे लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट इंडिया को एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहा है। इससे पहले जापानीज डिफेंस एक्सपोर्ट्स 1960 सिनो अमेरिकन ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी के अंडर रेस्ट्रिक्टेड थे। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान पे अमेरिकन ऑक्यूपेशन खत्म होने के बाद इस ट्रीटी को साइन किया गया था, ताकि USA और जापान के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ सके। खैर, समय के साथ USA समझ गया कि चाइना के लिए अपनी डिफेंस टाइज को ब्रॉडन करना कितना जरूरी है, और इंडिया और जापान USA के दो क्रूशियल अलाइज हैं। इसीलिए उनके कंबाइंड कैपेबिलिटीज एशिया पैसिफिक में चाइना के खिलाफ एक बैलेंस मेंटेन कर पाएगा। दोस्तों, इंडिया के साथ साथ एशिया पैसिफिक रीजन में जापान दूसरे प्लेयर्स के साथ भी अपने कोऑपरेशन के एवेन्यूज एक्सपैंड करता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नए सिक्योरिटी पैक्ट को लॉन्च किया, जिसका मकसद है मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन को ब्रॉडन करना। वैसे तो इस एग्रीमेंट में चाइना का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इसका निशाना है बीजिंग। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका के नए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही ये पैक्ट साइन किया गया। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इस NSS में चाइना को प्राइमरी टारगेट माना गया है, और इस स्ट्रेटजिक प्लान में जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्रूशियल रोल होगा। किसी भी वॉर सिचुएशन में जहां एक रीमिलिटराइज जापान चाइना के खिलाफ USA का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वहीं ऑस्ट्रेलिया उसका सदर्न एंकर है, जो नेवल ब्लॉकेट्स के थ्रू चाइनीज सप्लाईज को रोक सकता है और चाइनीज फोर्सेस के खिलाफ मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स का लॉन्चिंग पैड बन सकता है। सालों से USA साउथ चाइना सी के वाटर्स में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता आया है, और रिसेंटली उसके अलाइज ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी सिमिलर ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। यहां तक कि उनके मिलिट्री फ्लाइट्स चाइनीज वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स के काफी नजदीक मंडराते हुए पाए गए हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया के मीडिया कमेंटेटर्स ने यह हाईलाइट किया है कि दोनों देश की सिग्नल्स और सैटेलाइट फैसिलिटीज पजेस करते हैं। ऐसे में इन प्लेयर्स के बीच एक्सपेंडेड कोऑपरेशन US लेड सर्विलेंस के नेटवर्क को और भी स्ट्रेंथन करेगा। जापान के लिए ऐसा सिनेरियो आइडियल है, क्योंकि इससे वो अपने डिफेंस बिल्डअप को सिक्योर कर सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि US डोमिनेटेड 5 Eyes इंटेलिजेंस नेटवर्क में जापान को डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है। दरअसल 5 Eyes एक इंटेलिजेंस अलायंस है, जिसमें USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल हैं। इसका ओरिजिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ट्रेस किया जा सकता है, जब USA और UK के कोड ब्रेकर्स के बीच इनफॉर्मल मीटिंग्स होते थे। खैर, 75 साल पुराने सर्वेलेंस में जापान जैसे एक लाइक माइंडेड कंट्री की मेंबरशिप 5 Eyes के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर बनेगा। चाइना के साथ किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में इस एक्सपेंडेड अलायंस का रोल डिसीजिव हो सकता है, और इस रीजन में यह अकेला मल्टीलेटरल नेटवर्क नहीं है जिसमें चाइना के खिलाफ जापान अपने रोल को एक्सप्लोर कर रहा है। ऐसे और भी दूसरे ग्रुप्स हैं, आइए उन पे भी एक नजर डालते हैं। दोस्तों, एशिया पैसिफिक रीजन में जापान के मल्टीलेटरल एंगेजमेंट का सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जहां ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और USA के साथ जापान एक कोर मेंबर है। इनफैक्ट जापान के फॉर्मर PM आबे ने पहली बार क्वाड के विजन को आर्टिकुलेट किया था। उनका मानना था कि पैसिफिक और इंडियन ओशन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनाए रखने के लिए कंसर्न नेशंस को कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी, खासकर ऐसे समय में जब चाइना साउथ चाइना सी को अपने प्राइवेट लेक की तरह मानता है। वैसे तो क्वाड को ज्वाइंट सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक में कॉमन इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए फॉर्म किया गया था, लेकिन ऑब्जर्वर्स और एनालिस्ट के द्वारा ये दावा किया जाता है कि क्वाड का असली मकसद है चाइना के बढ़ते डोमिनेंस को काउंटर करना। जापान के लिए क्वाड चाइना को इनसर्कल करने का एक लार्जर स्ट्रेटजी है। इनफैक्ट क्वाड का एम्बिगुअस पर्पस जापान के लिए एक मेजर एडवांटेज है,
क्योंकि वो अपने पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के किसी भी ग्रुप में ऑपरेट कर सकता है। एक मजबूत क्वाड न सिर्फ चाइना के एक्सपेंशनिज्म को बल्कि इस रीजन में यूएसए की अनसर्टेनिटीज को भी चेक कर पाएगा। दोस्तों सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने ऑकस नाम के एक इनहैंस्ड ट्राइलेटरल सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप की एस्टैब्लिशमेंट की। डिफेंस रिलेटेड साइंस, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स और इंडस्ट्रियल बेसिस के थ्रू सिक्योरिटी और डिफेंस एरियाज में कॉपरेशन डीपन करने की बात की गई, जिसमें एक फंडामेंटल आइडिया ये था कि ऑस्ट्रेलिया को एक न्यूक्लियर पावर्ड समर यानी SSN फ्लोटिला प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे तो जापान इस ग्रुपिंग से बाहर है, लेकिन उसे ऑलरेडी एक पोटेंशियल मेंबर के तौर पे मेंशन किया गया है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स और ऑब्जर्वर्स का मानना है कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक अचीव करने के लिए जापान को ऑकस की मदद करते हुए अपने नेशनल डिफेंस एफर्ट्स को एनहांस करना चाहिए। जापान इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और साइबर सिक्योरिटी जैसे एरियाज में असिस्ट कर सकता है। दोस्तों चाइना जैसे ऑथोरिटेरियन स्टेट को लेकर सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर उसे चेक ना किया गया तो वो ना सिर्फ अपने रीजनल काउंटर पार्ट्स बल्कि पूरे लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को क्राइसिस में डाल देगा। यूएस, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया का ट्राइलिटरल कोऑपरेशन इसी लिबरल ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए इनिशिएट किया गया था। 1999 में फॉर्म हुए ट्राइलिटरल कोऑपरेशन ओवरसाइट ग्रुप यानी TCOG ने नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट के खिलाफ एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया था, जिसमें ट्राइलिटरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग को इंक्लूड किया गया। जापान और साउथ कोरिया के बायलेटरल टाइज में कुछ हिकअप्स होने के बावजूद एनालिस्ट का मानना है कि ये ट्राइलिटरल चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसे बढ़ते कॉमन थ्रेड्स के सामने अपने आप को एक यूनाइटेड फोर्स की तरह असर्ट कर पाएगा, चाहे ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस हो या ह्यूमन राइट्स कमिटमेंट। इंडो पैसिफिक रीजन में डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप के नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने में इस ग्रुप का क्रिटिकल रोल रहेगा। जहां दूसरे एशियन कंट्रीज चाइना को एक सस्पिशियस नजर से देखते हैं, वहीं जापान द्वारा एंजॉय किया गया ट्रस्ट और गुडविल उसके लिए एक मेजर एडवांटेज है। दोस्तों जापान के मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स का एक और एग्जांपल है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी IPEF, जिसे इस साल जापान की कैपिटल टोक्यो में US प्रेसिडेंट बाइडेन ने 12 रीजनल काउंटरपार्ट के साथ ऑफिशियली लॉन्च किया। 5 साल पहले ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP से US विद्रॉल के बाद स्टैब्लिश किया गया ये मैकेनिज्म चाइना के इकोनॉमिक डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए US लेड ऑल्टरनेटिव है, जिसके मेन पिलर्स में ट्रेड, सप्लाई चेन्स, क्लीन एनर्जी, डीकार्बोनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स और एंटी करप्शन। ऐसे इनिशिएटिव में जापान जैसे एडवांस्ड इकोनॉमी का पार्टिसिपेशन इसे ना सिर्फ मजबूत बनाएगा बल्कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे इकोनॉमीज के लिए चाइना के शेडो से बाहर आने का एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों ये था एक डिस्कशन चाइना के खिलाफ जापान के बढ़ते रेजिस्टेंस के ऊपर। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, कैन जापान अफोर्ड टू चैलेंज चाइना बोथ इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली? एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।